सो हाय गेमर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे अपने सेंटिनो कैरेक्टर की स्किल्स की एबिलिटी के बारे में गाइस, क्योंकि सेंटिनो कैरेक्टर काफी ज्यादा बीआर रैंक में बहुत ही ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर माना जाता है। और एनमी से जब भी आप फाइट लो तो इस कैरेक्टर को यूज कर लो, जिससे आप लोग कभी भी एनमी को कन्फ्यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं एनमी को कन्फ्यूज, क्योंकि गाइस कब तक हम लोग आलोक और के कैरेक्टर से खेलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सामने एनमी और ये कैरेक्टर यूज किया और इसको कन्फ्यूज कर दिया। मतलब आप लोग जब भी फाइट लो तो इस कैरेक्टर को यूज कर लो। जैसे अभी मैंने कैरेक्टर को यूज किया स्किल इसकी, और पीछे से डैमेज देने के बाद कैरेक्टर को यूज करके आप लोग टेलीपोर्ट एक टाइप में हो सकते हो और बंदे को बड़े आराम से मार सकते हो। उसके बाद फिर से आप टेलीपोर्ट हो सकते हो। इसका ये बहुत ही अच्छा फायदा है, आप लोग बहुत ही अच्छे से कन्फ्यूज कर सकते हो यार एनमी को। और इसको यूज करने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि गाइस बंदे कन्फ्यूज होते रहते हैं, इधर से मारो और उधर से, मतलब पीछे आगे दोनों तरफ से फाइट होती रहती है। और यहाँ पे आप लोग फिर से देख सकते हो, मतलब, और इसको चकमा दो पहले आगे का, फिर उसके बाद आप टेलीपोर्ट फिर से पीछे हो जाओ और इसको बड़े आराम से मार सकते हो। तो इस कैरेक्टर की गाइस यही स्किल बहुत ही अच्छी मेरे को लगी। अगर आप लोग को भी अच्छी लगी तो आप लोग भी इसको जरूर से यूज करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एबिलिटी मेरे को लगती है। अगर आप लोग भी यूज करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि काफी सारे बंदे इसको यूज करते हैं और आप लोग भी करते होंगे, तो इस तरह से यूज करने में काफी ज्यादा फायदा है। जब भी आप लोग बंदे से फाइट लो तभी अपने कैरेक्टर को यूज करो, या फिर पहले ही अपने कैरेक्टर को स्किल यूज कर लो, जिससे आपका फायदा ज्यादा मिलेगा। सो चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल सब्सक्राइबर्स।